मैं आज बनाऊंगी झारखंड की स्पेशल बेसन की सब्जी पोंगी, जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में। Hey everyone, welcome back to my channel, T-Wakes Coffee. मैं हूँ प्रियंका और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। तो पोंगी या बेसन की सब्जी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक कटोरी के करीब बेसन, मतलब मेजर करो तो एक कप के करीब बेसन, चना दाल का बेसन जो हम रेगुलर यूज करते हैं पकौड़े के लिए, वही वाला ये बेसन है। अब इस बेसन में मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी हल्दी। तो इंग्रेडिएंट्स मैं जो डाल रही हूँ वो मैंने मेंशन कर दिया है स्क्रीन पे। थोड़ा सा मैंने डाला नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर मतलब कि काली मिर्च का पाउडर या गोलकी पाउडर, और इसी के साथ थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्ची का पाउडर, और इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल एक चम्मच। तो मैंने इसे गर्म नहीं किया है, आप चाहो तो इसे गर्म करके भी डाल सकते हो। तो सरसों का तेल डालने से ना जो बेसन है वो सब्जी जो है थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है, और इन सबको बहुत अच्छे से कर देंगे मिक्स, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा जैसा लगा लेंगे, मतलब एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो बेसन वाले में आटे जैसा पानी नहीं डालते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी जाता है इसमें। अगर आप अचानक से बहुत डाल दोगे तो फिर ये गीला हो जाएगा, और बेसन हाथ में बहुत चिपकते भी हैं। तो आप अच्छे तरह से छुड़ा छुड़ा कर बेसन हाथ में अच्छे से इसका एक डो तैयार कर लो, एक सॉफ्ट सा हमें इस तरह का डो चाहिए। तो इस डो को हमें अच्छे से गूंद लेना है थोड़ा सा, और फिर इसे हम क्या करेंगे चार इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब इसे हम चार पार्ट में बांट देंगे। तो छोटे छोटे मैं इसे बना रही हूँ, आप चाहो तो इसे दो पार्ट में ही रख सकते हो या फिर चार पार्ट में कर लो। तो अब हम इसे एक एक को लेकर हम इसका एक टिक्की जैसा शेप दे देंगे। तो अगर दो पार्ट में रखोगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा, ये छोटा बन रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दो पार्ट में करो या चार पार्ट में करो। तो इसी तरह से बेसन को हम सारे बेसन का टिक्की जो है बनाकर तैयार कर लेंगे, और अब इन सबको हमें बॉयल करना है पानी में। तो ये पानी मैंने डाल दिया था गर्म होने के लिए, पानी जो है मेरा देखो अच्छे से उबलने लग गया है। तो पानी जब अच्छे से उबलने लग जाए तब हम इसमें अपने सारे टिक्की को डाल देंगे बेसन वाला जो हमने अभी तैयार किया था। और जब टिक्की डाल दे तो एक बार नीचे से हमें, जब सारी टिक्की हम डाल देंगे तो एक बार नीचे से जो है चला देंगे, ताकि जो है कभी कभी नीचे से चिपक जाती है तो वो ना हो, और इसे हम उबलने देंगे। तो अभी जो है देख रहे हो ना बेसन वाला टिक्की जो नीचे जाकर वो बैठ गया है, तो जब ये उबलने लग जाएगा, जब ये पक जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब फ्लोट करने लग जाएगा। ये रेसिपी जो है वो मैंने अपने डैडी से, मतलब मेरे फादर इन लॉ से बनाना मैंने सीखा है। तो जब उन्होंने मुझे पहली बार बोला था बनाने पोंगी बनाने, तब तो मैं नाम ही नहीं जानती थी, मैंने सुना ही नहीं था पोंगी क्या होता है। तो जब मैं उन्होंने मुझे बोला पोंगी आज खाने में बनाओ, तो मैंने सोचा ये क्या होता है, फिर मैंने पूछा उनसे कि ये क्या होता है कैसे बनता है, तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बेसन की सब्जी बनाई जाती है। खैर अब तो नहीं है वो हमारे बीच, लेकिन ये रेसिपी मैं उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ, उन्होंने ही मुझे बनाना सिखाया है। आई विश वो अभी होते और मुझे बोलते कि हाँ अब तुमने खाना बनाना सीख लिया है। तो खैर ये सब्जी बहुत टेस्टी लगता है, और मतलब बिहार साइड, मतलब मेरी मम्मी के साइड पे भी ये बनता है, थोड़ा सा अलग होता है बट बनता है बेसन की सब्जी। जब रेगुलर सब्जी खाकर हम बोर हो जाते हैं ना, तब ये बहुत अच्छी सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में, तब आप ये जरूर ट्राई करो और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। तो अब ये देखो बेसन वाला जो टिक्की था वो फ्लोट करने लग गया है, मतलब ऊपर आ गया है पानी के, तो इसका मतलब है ये पक चुका है। तो ये जब ऊपर आ जाए तो हम इसे एक डेढ़ मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, तब जो है ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक जो है कुक हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। और फिर हम इसे जब अच्छे से पक जाए, एक दो मिनट मैंने बॉईल कर लिया है, फिर हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे, और फिर इसे हम ठंडा हो जाने देंगे, और इस पानी को मैं यूज करूँगी ग्रेवी में। और ठंडा हो जाने के बाद फिर हम उसे ये कट करेंगे। तो जब तक ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे प्याज और टमाटर को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। तो मैंने डाला उसके लिए एक चम्मच तेल, उसमें मैंने डाला ये कटा हुआ प्याज। तो आप चाहे तो कच्चे टमाटर को भी वैसे ही पीस सकते हो ग्राइंडर में, लेकिन अगर थोड़ा सा फ्राई करके इसे डालोगे तो उसका टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसे, मैं इसे मतलब हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, और जब ये हल्का फ्राई हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो दोनों को बस इतना ही फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है चला जाए।
तो इन दोनों को फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसे कर लेंगे ठंडा। जब हो जाए 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, इसे ज़्यादा करना भी नहीं है। और जब ठंडा हो जाए तब हम इसे एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे और फिर इसका जो है एक पेस्ट बना लेंगे। प्याज टमाटर को ठंडा करने के बाद ही पीसना, नहीं तो ये बाहर आ जाती है कभी कभी, गर्म गर्म रहता है। तो अब जो है पोंगी को जो है हम कट कर लेंगे। तो इसे मैं तो कटर के हेल्प से काट रही हूँ, चाकू के हेल्प से आप काट लो। तो इसे बिल्कुल छोटा छोटा एकदम काटा जाता है, मतलब कि जैसे जो मिश्री होते हैं ना वो स्क्वायर शेप वाला, वो उसी के जैसा कटता है। ये देखो उससे थोड़ा बहुत ही बड़ा रहता है, यही शेप रहता है। और अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा तेल, और मैंने देखा नहीं, पानी अभी सूखा नहीं था, मैंने तेल डाल दिया है, तेल पूरा उड़ने लग गया, तो मैंने थोड़ा इसे ढक दिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तेल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तब मैंने उसमें डाल दिया ये अपना कटा हुआ बेसन, मतलब पोंगी। और अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है, मतलब करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब स्किप भी कर सकते हो, कुछ लोग करते हैं फ्राई, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, बट अगर फ्राई करोगे तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हमें इसे थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है, बस हल्का सा एकदम। और फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो ये जो ऐसे ही खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है, मतलब फ्राई किया हुआ ना वैसे ही खाओ, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि अंदर मसाले होते हैं ना बेसन में, या बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और अब हम बनाएंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने डाला है तेल, 2 चम्मच के करीब है ये सरसों का तेल। तो आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हो वो भी डालें। अब तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1 है तेज पत्ता। और ये दोनों जब अच्छे से, मतलब जीरा और पत्रज अच्छे से चटक जाए, तब हम इसमें डाल देंगे अपना पीसा हुआ प्याज और टमाटर का पेस्ट जो हमने पीसा था। और प्याज और टमाटर को हमें ना बहुत अच्छे से भूनना है, थोड़ा सा मतलब ये ब्राउन हो जाए, अच्छे से भून जाए, उतना हमें भूनना है। तो प्याज को जितने अच्छे से भूनोगे ना उतना अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। प्याज मसाला जितना अच्छा से आप भूनोगे किसी भी सब्जी बनाने में उतना ही अच्छा लगेगा वो सब्जी खाने में। तो प्याज टमाटर को हमें लो मीडियम हमें फ्लेम रखना है, उस पर हम भून लेंगे। और जब थोड़ा भून जाए तब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगा थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ इसमें एक पेस्ट जो मैं बना कर रखती हूँ, तो बताती हूँ इसमें क्या है। इसमें है जीरा, काली मिर्च और अदरक और लहसुन। तो ये पेस्ट मैं बना कर रखती हूँ, मोस्टली सब्जियों में यही जाते हैं, तो मैं ये पेस्ट बना कर फ्रिज में रखती हूँ। तो इसमें क्या क्या है वो मैंने मेंशन कर दिया, क्या क्या मसाला जाएगा, स्क्रीन पर मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा पानी, और इसे हम मसाले को थोड़ी देर के लिए अच्छे से भूनने देंगे, तब तक जब तक कि तेल जो है एकदम ऊपर ऊपर ना आ जाए। तो मैं फिर बोलूँगी कि मसाले जो है बहुत अच्छे से भून लो आप, मतलब एक बहुत अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए मसाले में से भूनने के बाद, तब जो है आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी, आप क्या कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है नमक, और ये देखो मसाला जो है भून चुका है, तेल जो है थोड़ा ऊपर आ चुका है। तो इस टाइम पे अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये बेसन जो हमने अभी काटा था, जो हमने अभी फ्राई किया था। तो अभी ये बेसन को हमें 1 मिनट तक के लिए, 1/2 मिनट के लिए भूनना है, इसे भूनना नहीं है ज़्यादा। और जब ये भून जाए 1/2 मिनट के लिए, तब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो जिस बोल में मैंने बेसन बनाया था ना, मतलब बेसन भूना था, उसमें मैंने पानी डाल दिया था जो बॉईल किया था, जिसमें पोंगी मैंने, तो कोई भी पानी यूज कर सकते हो, वैसे ये तरीका है, थोड़ा जो बेसन लगा रहता है बोल में वो भी यूज हो जाता है। तो खैर मैंने डाल दिया है पानी, और हाँ पोंगी जो है ना बेसन जो है पानी को बहुत एब्जॉर्ब करती है, मतलब सोखती है बहुत, तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाले। और लास्ट में मैंने डाल दिया ये 1/2 छोटा चम्मच है गरम मसाला पाउडर, जो घर का बना हुआ गरम मसाला होता है ना वो वाला। और इसे हम थोड़ी देर के लिए बॉईल होने देंगे, मतलब अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट जब हो जाए तब जो है पोंगी हमारा तैयार है। तो इसे पकाना तो रहता नहीं है ज़्यादा, बस ग्रेवी को थोड़ा पका लो बस, बेसन तो पहले से ही पका हुआ रहता है। और लास्ट में थोड़ा धनिया डालकर और इसे गर्मा गर्म सर्व करो। तो मेरे यहाँ जो है चावल के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, मैं भी और आनंद भी चावल के साथ ही मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे आप पराठे के साथ भी खा सकते हो या रोटी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो ग्रेवी रोटी के साथ खाना है तो ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा रखोगे, या चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा पतला कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। वेरी वेरी थैंक्स टू माई फादर इन लॉ जिन्होंने मुझे ये डिश सिखाया, एंड थैंक यू सो मच यू ऑल गाइज जो अभी मेरे ये वीडियोज़ देख रहे हो, थैंक यू सो मच।